दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम मनीष है और इस हफ्ते की हमारी प्रस्तुति में आपका स्वागत है। आज का कविता पाठ शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वीडियो के अंत में मैं एक बहुत ज़रूरी मैसेज शेयर करने वाला हूँ, इसलिए इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। हमारी इस हफ्ते की कविता का शीर्षक है यह धरती कितना देती है, जिसे लिखा है हिंदी के जाने माने कवि सुमित्रानंदन पंत जी ने। आइए सबसे पहले कविता सुनते हैं। मैंने छुटपन में छिपकर पैसे बोए थे, सोचा था पैसों के प्यारे पेड़ उगेंगे, रुपयों की कलदार मधुर फसलें खनकेंगी और फूल फल कर मैं मोटा सेठ बनूंगा। पर बंजर धरती में एक ना अंकुर फूटा, बंध्या मिट्टी ने ना एक भी पैसा उगला, सपने जाने कहां मिटे, कब धूल हो गए। मैं हताश हो बाट जोहता रहा दिनों तक, बाल कल्पना के अपलक पावड़े बिछाकर। मैं अबोध था, मैंने गलत बीज बोए थे, ममता को रोपा था, तृष्णा को सींचा था। अर्धशती हहराती निकल गई है तब से, कितने ही मधुर पतझर बीत गए अनजाने, ग्रीष्म तपे, वर्षा झूली, शरदें मुस्काई, सी सी कर हेमंत कपे, तरु झरे, खिले वन, और जब फिर से गाढ़ी उदा लालसा लिए, गहरे कजरारे बादल बरसे धरती पर, मैंने कौतूहलवश आंगन के कोने की गीली तह यूं ही उंगली से सहलाकर बीज सेम के दबा दिए मिट्टी के नीचे, भूखे अंचल में मणिमाणिक बांध दिए हूं। मैं फिर भूल गया इस छोटी सी घटना को, और बात भी क्या थी याद जिसे रखता मन, किंतु एक दिन जब मैं संध्या को आंगन में टहल रहा था, तब सहसा मैंने देखा, उससे हर्ष विमूढ़ हो उठा मैं विस्मय से। देखा आंगन के कोने में कई नवागत छोटे छोटे छाता ताने खड़े हुए हैं, छाता कहूं कि विजय पताकाएं जीवन की, या हथेलियां खोले थे वे नन्ही प्यारी, जो भी हो वे हरे हरे उल्लास से भरे पंख मार कर उड़ने को उत्सुक लगते थे, डिंब तोड़कर निकले चिड़ियों के बच्चों से। निर्निमेश क्षण भर मैं उनको रहा देखता, सहसा मुझे स्मरण हो आया कुछ दिन पहले बीज सेम के मैंने रोपे थे आंगन में, और उन्हीं से बौने पौधों की ये पलटन मेरी आंखों के सम्मुख अब खड़ी गर्व से नन्हे नाटे पैर पटक बढ़ती जाती है। तब से उनको रहा देखता धीरे धीरे अनगिनती पत्तों से लद भर गई झाड़ियां, हरे भरे टंग गए कई मखमली चंदोवे, बेलें फैल गई बलखा आंगन में लहरा, और सहारा लेकर बाड़े की टाटी का हरे हरे सौ झरने फूट पड़े ऊपर को। मैं अवाक रह गया, वंश कैसे बढ़ता है, छोटे तारों से छितरे फूलों के छींटे, झागों से लिपटे लहरों के श्यामल लतरों पर सुंदर लगते थे, मावस के हंसमुख नभ से, चोटी के मोती से, आंचल के बूटों से। ओह समय पर उनमें कितनी फलियां फूटी, कितनी सारी फलियां, कितनी प्यारी फलियां, पतली चौड़ी फलियां, उफ उनकी क्या गिनती, लंबी लंबी अंगुलियों सी, नन्ही नन्ही तलवारों सी, पन्ने के प्यारे हारों सी, झूठ न समझे चंद्रकलाओं सी नित बढ़ती, सच्चे मोती की लड़ियों सी, ढेर ढेर खिल झुंड झुंड झिल मिलकर कचपचिया तारों सी। आह इतनी फलियां टूटी, जाड़ों भर खाई, सुबह शाम वे घर घर पकी, पड़ोस पास के जाने अनजाने सब लोगों में बंटवाई, बंधु बांधवों मित्रों अभ्यागत मंगतों ने जी भर भर दिन रात मोहल्ले भरने खाई। कितनी सारी फलियां, कितनी प्यारी फलियां,
ये धरती कितना देती है, ये धरती कितना देती है, धरती माता कितना देती है अपने प्यारे पुत्रों को, नहीं समझ पाया था मैं उसके महत्व को बचपन में, छे स्वार्थ लोभवश पैसे बोकर। रत्न प्रसविनी है वसुधा, अब समझ सका हूं, रत्न प्रसविनी है वसुधा, अब समझ सका हूं, इसमें सच्ची समता के दाने बोने हैं, इसमें जन की क्षमता के दाने बोने हैं, इसमें मानव ममता के दाने बोने हैं, जिससे उगल सके फिर धूल सुनहली फसलें मानवता की, जीवन श्रम से हंसे दिशाएं, हम जैसा बोएंगे वैसा ही पाएंगे, हम जैसा बोएंगे वैसा ही पाएंगे। दोस्तों, वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और अब वो ज़रूरी मैसेज जिसके बारे में मैंने शुरुआत में कहा था, कविता बोल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने के लिए ज़रूरी है कि हम अपने सब्सक्राइबर्स बढ़ाएं पहले तो। सो आप सबसे मेरी गुजारिश है कि अगर आपको हमारा काम अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियोज़ को लाइक और शेयर भी करें। अगर आप हमारे कंटेंट में कोई सुधार चाहते हैं या अगर आपकी कोई फरमाइश हो तो वो भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसके अलावा अगर आप खुद भी कविताएं लिखते हैं और हमारे चैनल के ज़रिए लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो आप हमसे फेसबुक या इंस्टाग्राम पर संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों, इसके अलावा एक और बहुत ख़ास सूचना, कविता बोल पर हम एक गिव अवे भी करने जा रहे हैं जिसमें हर महीने हम अपने एक दर्शक को उनकी पसंद की किताब भेंट करेंगे। इस गिफ्ट को पाने के लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, सिर्फ हमें YouTube पर सब्सक्राइब करना है और हमारे WhatsApp ग्रुप को ज्वाइन करना है जिसका लिंक भी नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि अच्छे विचारों और उनसे भी अच्छी कविताओं को पढ़ने सुनने का हमारा सिलसिला हमेशा चलता और बढ़ता रहेगा। हम अगले हफ्ते फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अलविदा।